अस्सलाम वालेकुम, मैं मसर फातिमा। आज खास आप लोगों के लिए देखिए प्याज की पत्ती की मसूर की खड़ी दाल लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है, मजे में बेहतरीन है और नमक परफेक्ट है। मैंने बनाया है, प्लीज की रेसिपी मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नई सी नई नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। दुआओं की खास गुजारिश है, दुआओं में खास याद रखिए। चलिए इसका बनाने का ईजी और आसान तरीका बताते हैं। मसूर की खड़ी दाल की और एक रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है, ये वीडियो के नीचे उसकी लिंक मैं इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी। चलिए इसका बनाने का इजी आसान तरीका बताएंगे। ये देख सकते हैं मैं ले रही हूँ दो प्याज की पत्ती के, देखिए ये दो खट्टे हैं। जिसे मैं ये प्याज का हिस्सा अलग कर लूँगी, ऊपर से ये ग्रीन वाला भी हिस्सा अलग कर लूँगी। और एक कप मेरे पास मसूर की दाल है और एक कप हरा धनिया, एक टमाटा है मीडियम साइज़ का, आप डालना चाहें तो डालिए, अगर नहीं डालना चाहें तो मत डालिए। तीन हरी मिर्च है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच नमक है, नमक मैं बाद में टेस्ट करके और ऐड करूँगी अगर कम लगा तो, पाँच चम्मच हल्दी पाउडर है। चलिए मैं अभी प्याज की पत्ती के दोनों हिस्से अलग कर लूँगी। बड़ा एक चम्मच तेल है इसमें, ये देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो गया है। मैं आपको बता दूँ ये देखिए व्हाइट वाला हिस्सा है प्याज की पत्ती का, आप लोग कम डाल सकते हैं मगर ज़्यादा मत डाल दीजिए। प्याज की पत्ती दो डाल सकते हैं इकट्ठे भर से, ज़्यादा मत डाल दीजिए। प्याज लाइट ब्राउन होने के बाद मैं अदरक लहसुन ऐड करूँगी इसमें। ये देख सकते हैं प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत इजी सिंपल है, आप लोग बनाइए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने खड़ी दाल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये वीडियो के नीचे मैं इसके लिंक जरूर शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आप लोग देखिए। धीमी आँच पर मैं अदरक लहसुन पहले अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद मैं दूसरे मसाले ऐड करूँगी। मैं डालूंगी लाल मिर्च, हल्दी, नमक ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, देखिए नमक मैं दाल गलने के बाद ऐड करूँगी, कभी भी मैं नमक नहीं डालती हूँ दाल में, बाद में ऐड करती हूँ। ये देख सकते हैं आप, अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक टमाटा। टमाटे को मैं अच्छे से एक मिनट तक कवर करके पका लूँगी। टमाटे भी देखिए अच्छे से गल गए हैं, देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ प्याज की पत्ती का हरा वाला हिस्सा। देख सकते हैं आप प्याज की पत्ती कितनी अच्छे से भून लिया है, देखिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी इस टाइम पे मसूर की दाल एक कप फुल। पीछे मैंने जो मसूर की दाल को बहुत अच्छे से भून लिया है, अब ये दोनों चीज़ें मैं दो से तीन मिनट तक भूनूंगी। भूनना बहुत ज़रूरी है, भून कर ही आप उसके बाद पानी ऐड करिए, जब भी बहुत सौंधी दाल बनेगी। ये बात का खास ख्याल रखिए। साथ में मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। प्याज की पत्ती की देखिए मैंने कितने अच्छे से भून दिया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको करीब से बता दूं, ये देखिए इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, आप जितना इसे भून देंगे ना उतनी सौंधी और अच्छी दाल बनेगी, ये बात है, खास ख्याल रखिए। अब मैं इसमें डालने वाली एक गिलास भर के पूरा पानी। चलिए इसे अच्छे से मिला कर, मैं नमक अभी नहीं ऐड किया है, इसे अब मैं कवर करके रख दूँगी दाल गलने तक। दाल गलते समय मैं आपको बता दूं, मैं इसमें तीन हरी मिर्च भी ऐड कर दे रही हूँ। चलिए ये देख सकते हैं आप, दाल बहुत अच्छे से गल गई है, ये देखिए कितनी अच्छी गल गई दाल। अब इसमें जाने वाला है नमक। नमक डालने के बाद बहुत अच्छे से मिलाना है, नहीं तो एक साइड खारा एक साइड फीका ऐसा दिखेगा। चलिए ये रेडी है, अब मैं इसे एक मिनट के लिए दम पे रखूंगी, इसके बाद मैं आपको डिश आउट करूंगी। ये देख सकते हैं आप, दाल रेडी है, बहुत अच्छे से पक गई है। अब मैं इसे डिश आउट करने वाली हूँ। आप इसे पराठे से खाइए, चाहे फुलके से खाइए, बहुत मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करिए।
ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप प्याज की पत्ती की खड़ी दाल, ये मसूर की खड़ी दाल की रेसिपी रेडी है। आप लोग प्लीज बनाना, बताना मेरी रेसिपी आपको कैसे लगते हैं। इंशाल्लाह मैं नई से नई अच्छी से अच्छी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज़।